हाँ मेरे प्रिय साथियों, तो आज हम आपको एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे। तो आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कि उसका सिलेबस बताते हैं कि एप्टीट्यूड हम लोग क्या पढ़ेंगे। और हम इस एप्टीट्यूड पढ़ने वाले सिलेबस हैं वो सिलेबस कौन कौन से एग्जाम्स के लिए फ़ायदेमंद होगा, कौन कौन से एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। देखो दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे हम बात करें कि एक ऐसा एग्जाम जिसमें ओनली 10th लेवल तक की मैथ पूछी जाती है, एप्टीट्यूड पूछा जाता है। और वो बहुत बड़ा एग्जाम है UPSC यानी IAS बनने का एग्जाम, ठीक। उसमें सी सेट करके पेपर होता है, उसमें दोस्तों मैथ पूछी जाती है। हम उस एग्जाम की मैथ पढ़ेंगे। MBA के लिए इंटेंस एग्जाम्स होते हैं, हम उनके लिए भी हम मैथ पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब एप्टीट्यूड बढ़ेगा, बात समझ गए। इसी तरीके से जो रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं रेलवे के, उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं, अंडरटेकिंग यूनिट्स हैं, उनके लिए भी हम लोग पढ़ेंगे। स्पेशली गेट के लिए हम पढ़ेंगे, ठीक है, स्पेशली हम लोग गेट के लिए पढ़ेंगे। डिप्लोमा में जो बहुत सारे लेवल के, चाहे वो PSU के डिप्लोमा के एग्जाम्स होते हों और चाहे वो और सारे एग्जाम्स हैं डिप्लोमा लेवल्स होते हैं, उन सब में क्या है एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो उनमें उनके लिए हम पढ़ेंगे। और BTech में एंट्री करने के लिए भी हम BTech में डिप्लोमा से BTech एंट्री के लिए एप्टीट्यूड होता है, वो भी हम यहाँ पढ़ाएंगे। और जो सारा सिलेबस उसका है, और उसके साथ में बहुत सारे एग्जाम जैसे विप्रो हो गया, है ना, TCS हो गया, तो इन सारे एग्जाम्स के लिए भी हम लोग यहाँ पढ़ाएंगे। बैंक को है ना, बैंक में एक PO की पोस्ट के लिए एग्जाम होता है, तो हम उन सब के लिए पढ़ाएंगे। SSC के एग्जाम्स के लिए भी सिलेबस काम करेंगे, ठीक। तो हम लोग पढ़ाने वाले हैं वो सारे एग्जाम्स के लिए है। हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है, कई क्वेश्चन इसमें आते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क पे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम इसके बाद पढ़ेंगे इसको। फिर हम सर्च इंडिसेस इन लॉगरिथम, लॉगरिथम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, इंडिसेस सर्च क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे, उन पर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम सारी केसेस पर स्टडी करेंगे। फिर एवरेज क्या है उसके बारे में, इतने टाइप्स के केस बन सकते हैं, उन पर क्वेश्चन उन पर देखेंगे हम। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट और लॉस हम इसको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे परसेंटेज, इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें ट्रेन संबंधित क्वेश्चन होंगे, स्टीम संबंधित क्वेश्चन होंगे, मतलब वही बोट है और उसमें स्पीड आप स्पीड आप ओनली बोट एंड स्पीड आप ओनली स्ट्रीम, तो उस पर बेस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ट्रेन है वो किस तरीके से सिंगल डायरेक्शन में या जा रहे हैं, है ना, या फिर पैरेलल हैं और वन डायरेक्शन है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, तब कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पर हम पढ़ेंगे, तो ये पढ़ेंगे। फिर हम प्रोग्रेशन, है ना, तीन टाइप प्रोग्रेशन होती हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे AP कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP कहते हैं, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP कहते हैं, हम उन पर कराएंगे क्वेश्चन। फिर परम्यूटेशन और कम्बिनेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हम उस पर भी देखेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। फिर दोस्तों प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं प्रोबेबिलिटी से, हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम सेट थ्योरी से क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेट थ्योरी वास्तव में एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही क्या बोलते हैं कि उपयोगी हमारा चैप्टर है, एक हमारी शाखा है वास्तव में गणित की, है ना, गणित की एक शाखा है प्रोबेबिलिटी और सेट थ्योरी, तो इनको बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि जो डिस्टेंसी है, उपयोगिता है इसकी बहुत ज़्यादा है, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम आउटपुट आप लोगों को दे पाएँ, ये मेरी कोशिश है। और हमारी कोशिश कामयाब तभी होगी जब आप लोग मेरा साथ दोगे, मुझे मोटिवेट करोगे, मेरे कमेंट में लिखोगे कि हमारे वीडियो आपको कैसा लगा। मैं बहुत शुरुआती टीचर हूँ, हालांकि बहुत दिनों से मैंने पढ़ाया, जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था तभी से मैंने पढ़ाना शुरू किया, अपने पीछे वालों को पढ़ा देते, 7th में आ गया तो उससे पहले पढ़ा था। पर क्या है कि कैमरे के सामने पढ़ाना एक दूसरी थिंग होती है, आप समझते हो कि सामने कोई भी नहीं है फिर भी पढ़ाना है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, एक सामने जब मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप सही पढ़ा रहे हो, इसमें ये कमी है सर, आप और ऐसा अच्छा करिए, या फिर हम और क्या चाहते हैं वो सर आप इम्प्रूव करिए, तो फिर डेफिनेटली ऐसा है अच्छा हो जाता है। तो
आने वाले समय में समय तो आपको मैगजिम आउटपुट दे पाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, फिर हम अगली बार कल फिर हम दोबारा से अपना पहला शुरू चैप्टर करेंगे नंबर सिस्टम, और फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।